बताएं कि आपके समाज में जो ये स्वागत समारोह रखा गया है, एक समाज सेवी संगठन ने रखा है कि किसी के मार्फत से रखा गया है? देखिए, ये सम्मान समारोह रखा है, ये बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले रखा गया है और बहुजन समाज पार्टी के जो लंबे समय से स्थापना के समय के जो काम कर रहे हैं आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल जी, उनके नेतृत्व में और बहुजन समाज पार्टी के जिला संगठन के नेतृत्व में रखा गया है। और ये प्रोग्राम उन लोगों के रखा गया है जो जनता में अभी जो कोरोना वायरस का जो प्रकट चल रहा है उसमें दूरी बनाने के लिए जो घर घर जाकर संदेश दे रहे हैं, जो हमारे सफाई कर्मी लोग हैं वो संदेश ये दे रहे हैं कि अपनी गंदगी न फैलाएं और आपस में दूरी बना के रखें और घर से निकलें तो आगे जाकर किसी अपरिचित आदमी से न मिलें, क्योंकि जो परिचित आदमी है उसी से दूर मिलें, वो दूरी बना के रखें उनसे कम 2 मीटर की। तो ये संदेश ऐसे लोगों के लिए है और जो समय समय पर हम लोगों के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, अपने घर को नहीं देख रहे हैं, अपने परिवार को नहीं देख रहे हैं, हमारे क्षेत्र में आगे सफाई कर रहे हैं और हम लोग को संदेश देते जा रहे हैं कि भैया कोरोना से अगर जंग जीतनी है तो दूरी बना के रखें, क्योंकि ये दूरी जितनी दूरी बना आप अपने शहर और नगर के लिए जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा अगर कोरोना वायरस से जो जंग जीतनी है तो मैं अपने शहरवासियों से, अपने जिले के जनपद के सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि अगर हमें जंग जीतनी है तो दूरी बना के रखें, घर में अगर कहीं बाहर से आते तो सैनिटाइज से हाथ धोएं और मुंह पर मास्क लगाएं, क्योंकि यही हमारे लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अगर इसको हम कर लेंगे तो हो सकता है संभव ही हम बहुत बड़ी कोरोना से जंग जीत लेंगे। जय भीम जय भारत। धन्यवाद।